हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पे एलेक्स द प्ले ऑफ द वर्ल्ड। तो फिर से एक न्यू वीडियो के साथ आ चुके हैं। तो इस बार हम लोग अनोखा वीडियो दिखाएंगे, जो है मेरे भैया का दोस्त ने वीडियो मुझे सेंड किया है, जो बताना चाहता है आप लोगों को, छोटे से मैसेज देना चाहता है, क्योंकि वहाँ पर पोकावान पुरिया पोकावान में ये हुआ है लफड़ा डांस के लिए, ठीक है, डांस के लिए नानसा भी हुआ है वहाँ पर, वो आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ और कुछ बात बोलना भी चाहता हूँ वहाँ उस लोग वहाँ पर कमेंट लोगों को कुछ बोलना चाहता हूँ, ठीक है, इस वीडियो में। तो वीडियो पूरा देख के जाना भाई आप लोग, ठीक है, क्या होता है वीडियो में, ठीक है, क्या बोलना चाहता हूँ मैं। और वहाँ पर जो सूरज भैया है वहाँ पर आप लोग कुछ बोलना चाहेंगे स्टेज में, जो है वो जो माइक्रोफोन पकड़ का है वो है सूरज भैया, आप लोग कुछ बताना चाहते हैं, आप लोग जरूर सुनना भाई, डांसर के लोगों के लिए खास करके है ज़्यादा। आप वीडियो जो आप लोग देख रहे हो, डांसर जो डांस को ज़्यादा प्यार करते हो, जो वीडियो देख रहे हो, जल्दी शेयर करना भाई, शेयर करना भाई, ठीक है। हेलो, यहाँ पे जितने भी ऑडियंस है और डांसर्स लोग हैं, जो डिसीजन हुआ जो बहुत अच्छा हुआ था, ठीक है, लेकिन सर को मैं ये बोलना चाहता हूँ कि हम लोग का मिस्टेक कहाँ हुआ, जो हम लोग को कॉम्पिटिशन से उठा के बाहर फेंक दिया गया। अगर हम लोग अप्राइज नहीं था एंजल स्क्वाड का, हम लोग अभी पांच से दर जाएंगे। एक टेस्ट का भूल करना है, हमने प्राइस नहीं था, एक ही प्राइस नहीं था हम लोगों, गुड गुड, एक टेस्ट का भूल करना है। समझ रहे हैं? भाई सिंह पता है क्या है, इसमें कोई गलती नहीं है, जिन्होंने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है ना, उन्होंने बस फर्स्ट सेकंड थर्ड सिंगल प्राइस रखा है, ग्रुप के लिए कोई अलग प्राइस नहीं रखा और सिंगल के लिए कोई अलग प्राइस नहीं रखा। तो आप लोग एलबी में लिखना चाहिए था ना, यहाँ पर सोलो डांस होगा, यहाँ पर ग्रुप डांस नहीं हो, ग्रुप आ भी गया तो सिंगल को डांस प्राइज दिया जाएगा, आप लोग में आप लोग लिखना चाहिए था ना, जब यहाँ पर सिर्फ सिंगल डांस कंपटीशन होगा, यहाँ पर ग्रुप डांस नहीं होगा, आज नहीं होगा, यहाँ पर ग्रुप डांस नहीं होगा, सिर्फ सिंगल का डांस होगा, यहाँ पर सिंगल का डांस को प्राइज दिया जाएगा, ग्रुप को नहीं दिया जाएगा, इसको आप लोग लिखना चाहिए था, लेटर में लिखना चाहिए था ना आप लोगों को, कुछ नहीं। तो सर ये कॉम्पिटिशन में कहीं पर भी लिखा हुआ है या बैनर में कि सोलो है, ग्रुप में नहीं होता, तो हम नहीं पार्टिसिपेट करते, इसमें लिखा होना चाहिए ना कि देखिए कोई भी रूल्स रेगुलेशन के साथ होता है, अगर कोई भी कहीं जाते हैं हम लोग ट्रेन पकड़ने जाते हैं बस पकड़ने, उसमें रूल्स लिखा रहता है कि 10 बजे से लेकर 11 बजे ये बस चलता है, तो हर एक चीज का रूल्स होना चाहिए, और उस लेटर में कहीं पर भी लिखा नहीं है कि ग्रुप को प्राइज नहीं मिलेगा, सोलो का मिलेगा, अगर लेटर में दिखा दे तो मैं मानूंगा, अगर कमेटी अपने मन से अगर डिसाइड करेगी तो कैसे चलेगा। फर्स्ट बात तो कॉमेडी कुछ डिसाइड नहीं किया है, ठीक है, आप लोग जो बोल रहे हैं कि ग्रुप का, आप लोग जैसा आप लोगों जो कहना है कि ग्रुप का प्राइस नहीं दिया जाएगा, सिंगल को प्राइस दिया जाएगा, ठीक है, ओके। तो एक बात है, वो लोग ग्रुप नहीं है, ग्रुप तो ग्रुप ही है हिसाब से, वो ट्वीट मतलब ग्रुप की कैटेगरी में आता है, वो आप लोग डांसर आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है, नहीं नहीं वो अगर ट्वीट में अलग से नहीं आएगा, या सोलो में आएगा या फिर ग्रुप में आएगा, आप लोग भी परफॉर्मर है, आप लोग बहुत ज्यादा कंपटीशन किए हैं, हम लोग भी डांस करते हैं भैया, ऐसा नहीं है, आपने माइक्रोफोन क्यों नहीं दिया उसको, क्यों नहीं दिया उसको, उसको बोलने दो, तुमने बोला उसको नहीं बोलने देगा क्या आप लोग, इधर कमेटी लोग बहुत ही हरामी है, बहुत कुछ है, यहाँ पर डांस कंपटीशन करने कोई भी नहीं माता, पुरिया बोका मत, कोई भी नहीं जा मत जाना भाई, ऊपर डांस कंपटीशन ऊपर डांस भी होता है, जो अच्छा डांस करते हैं उसको नहीं देते प्राइज, जो डांस नहीं कर पाते उसको देते हैं वहाँ पर प्राइज, वो होता है, ठीक है, वो होते हैं वहाँ पर, जो अच्छा डांस करते हैं वहाँ पर उसको प्राइज नहीं दिया जाएगा, ठीक है, और जो अच्छा से डांस नहीं कर पाएंगे उसको वहां पर प्राइज दिया जाएगा, उस वहां पर वो होता है, वो होता है, ठीक है, उतना दूर से आए हैं कंपटीशन करने के लिए, बोकारो झलदा यहाँ पर से हम लोग गांव के पास ही सातारी, वहां से लोग आते हैं डांस कंपटीशन करने के लिए, आज उतना अच्छे से परफॉर्मेंस किया वो लोग ऑडियंस ही कहेंगे आप लोगों को, ऑडियंस से कितना अच्छे से डांस किया, तो इन लोगों को नहीं प्राइज मिला, जो अच्छा डांस नहीं कर पाए उसको दे दिया, उसको देते, खास करके लोगों का स्टूडेंट है,
जज का स्टूडेंट है इसीलिए उसको दे दिया प्राइज। ये होता है डांस, ये होता है। चल मान लियो वो लोग डांस अच्छा किया तो उसके साथ बैटल करना चाहिए था ना, उन लोगों का बैटल करके पता चल जाता ये अच्छा डांस है ये अच्छा डांस है, दोनों से फर्क पॉइंट मिल जाता, कोई कौन अच्छा डांस करता है, ये डुएट था ये ग्रुप था, तो यहाँ पर बैटल होना चाहिए था। बैटल करके देख लेता फैसला हो जाता कौन अच्छा डांस किया, ये दोनों या ग्रुप, देख के पता चल जाता क्या। तो अभी क्या बोला आपने, कोनो औषधि नहीं, सुन लिया आप लोगों ने, सुन लिया ना आप लोगों ने। यहाँ पर जितना दूर से आए डांसर और अच्छे से डांस करो या ना करो कुछ फर्क नहीं पड़ता ये लोगों को लिए, ठीक है। वहां पर जो जज रहेगा उसका स्टूडेंट का ही प्राइज दिया जाए, यहाँ पर ये होता है, यहाँ पर ये होता है। अब कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर, कुछ भी नहीं, इतना बड़ा हो गया लफड़ा कुछ भी नहीं बोल रहा, प्रॉब्लम नहीं है वहां पर। देख लो वहां पर सूरज भैया आप लोगों को कुछ बोलना चाहते हो, वहां पर कुछ बोल रहे हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। बहुत ही गलत सीन हुआ है यहाँ पे, जजेस लोग बोला जा रहा है कि प्राइज नहीं दिया जाएगा, सिर्फ 16 का दिया जाएगा। तो ये देखिए उसी का क्राउड है, आप लोग जितने भी डांसर लोग ऐड होंगे इसमें देखिएगा, ये वीडियो आपको जब मिलेगा तब। ये सरासर गलत हुआ हर एक डांसर के साथ, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है कि लेटर में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि यहाँ पे डांस के लिए सिर्फ ग्रुप का प्राइज नहीं मिलेगा, सोलो का मिलेगा। आप लोग जितने जन भी देखिएगा इस जगह का नाम और इस जगह का एड्रेस में सारा ना इंसाफ होता है, ना इंसाफ है, ना इंसाफ होता है, आप लोग कुछ पूछ सकते हैं, ना इंसाफ होता है यहाँ पर। देख देख के देता है काम हमारा घर पर, आपने कंपटीशन करा है लाइव 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 है वो गाना, जस्ट गाना का के जस्ट गाना लाइव है ना ना मामी दी झमेला करके क्या होता है, झमेला हम लोग कर रहे हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट है ना वो भी खत्म हो जाए, सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए हम लोग कितना कर रहे हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए हम लोग कर रहे हैं, हम लोग कितना गलत के लिए, तो ये सब करने से रिस्पेक्ट नहीं होता है, ये सब करने से रिस्पेक्ट खराब हो, और ये हम लोग कितना मेहनत करके अच्छा डांस किया, तुम्हारा पूछा तो गलत चीज होगा अच्छा रहेगा, अच्छा डांस किया सुनिए, गलत चीज होगा अच्छा होगा, ये लोग सुनेगा झमेला कर रहे हो, तुम्हारा वक्त पूछा जाता हम लोग देखिए दिन रात ये पढ़ाई लिखाई छोड़ के डांस में करते हैं, एक गलत चीज के वजह से लाइफ नहीं खराब होगा किसी का, बताइए जाना ना मगर तुम्हें चुनो ना क्या मगर बोलो, ठीक है सुन, ठीक है सुन, दिक्कत आ रहा है हम लोग जा रहे हैं ना, अरे यार तुम लोग कहाँ से आ रहे हो, देखिए हम लोग खत्म कर रखते हैं, जो भीड़ है ये गलत डिसीजन के वजह से हुआ है, ये सिर्फ गलत डिसीजन के वजह से हुआ है, नहीं तो सब कुछ सही था। ये क्रू है कुनूस कुडूस, ये बोकारो से है, इनके साथ भी बहुत गलत हुआ है, बहुत सारा गलत चीज हुआ, जो कि एक डांसर्स के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। हर एक स्टेज बहुत मायने रखता है एक डांसर्स के लिए, अगर आप पहले ही बता दो रूल्स और रेगुलेशन तो हम लोग पार्टिसिपेट नहीं करते, जो कि कहीं ना कहीं मैं गलत बोल रहा हूँ, तो इतने डांसर यहाँ पे भीड़ नहीं होते, देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। आप लोग जब भी इस वीडियो को देखिएगा प्लीज शेयर कीजिएगा, ठीक है। आप लोग कुछ बोलिए, कुछ गलत हुआ कि सही हुआ यहाँ पे, कोई नहीं आएगा यहाँ पे, कौन से गुरु से हो, हम लोग ब्लेस क्रू, इतना अच्छा किया जो कि इतना शुरू से बेटर किया, उनको उठा के कॉम्पिटिशन से बाहर निकाल गया, सांत्वना पुरस्कार जो कि
ऐसा ऐसा परफॉर्मेंस हुआ है कि मतलब क्या बोले, मतलब यही लोग कंपटीशन करा रहे हैं, यही लोग खुद का अपना प्राइज रख रहे हैं। आप लोग जितने भी लोग देख रहे हो इस वीडियो को भाई प्लीज शेयर करना भाई, बहुत ही शेयर करना भाई, क्योंकि ये डांसर का लोगों के साथ हुआ है, इस और डांसर के साथ नहीं होना चाहिए। आप प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए वीडियो को प्लीज भाई, प्लीज प्लीज प्लीज। और पुरिया पकावान डांस कम्युनिटी से कोई भी नहीं करना चाहिएगा भाई, वहाँ पर डांस कोई भी नहीं, वहाँ पर नाजिशा भी होता, सिर्फ नाजिशा भी डांस होता है। तो आई होप वीडियो को आप लोगों को अच्छा लगा है, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब इतना जल्दी से कर देना भाई। तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में।